बोल करें आज मैं आई हूँ टू लॉन्च स्वच्छ और स्वच्छ का एक यूएन कॉम्पैक्ट इंडिया के साथ एक इन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है विच इज़ कॉल्ड सैनिटीज यू नो जो विमेन हाइजीन पे स्वच्छ का मतलब ही एक्चुअली डॉक्टर सुब्रमण्यम मेरे साथ है डॉक्टर सुब्रमण्यम आप बताइए स्वच्छ बेसिकली हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ है एंड स्वच्छ हमारे लिए सिर्फ टॉयलेट्स नहीं है इट इज़ सैनिटेशन एंड वाटर फॉर कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन तो जब हमने कहा कि हम एक नए इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं जिसको इंटरनेशनल स्वच्छ फेडरेशन किया जाता है वो हमने यूनाइटेड नेशंस के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया है उसके तहत हमको सैनिटेशन यानी शौच पानी शुद्धिकरण और वेस्ट मैनेजमेंट इसके ऊपर बहुत काम करना है बट ये पूरा आइडिया में हाइजीन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आज विमेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक हमारा सबसे बड़ा फोकस है तो जब हम ईशा जी से बात किए और कहा कि हम बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स लॉन्च कर रहे हैं जो ग्रीन है तो उन्होंने कहा एनी ग्रीन इनिशिएटिव आई एम रेडी टू सपोर्ट एंड इफ इट इज फॉर विमेन्स हाइजीन ऑल द मोर वी आर ब्लेस्ड एक्चुअली दैट शी एग्रीड टू दिस और जैसे स्वच्छ के बारे में डॉक्टर सुब्रमण्यम ने बताया अभी तक हम बस बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान को स्वच्छ करने की साफ सफाई करने की साफ पानी की हर जगह शौच बनाने की मूवी आई मगर तभी से एक रेवोल्यूशन शुरू और आज की डेट में 2018 में भी हम रह के जैसे मैं पहले भी बोला हम मुंबई की मैं बात करूंगी मैं गांव की बात भी नहीं करूंगी काफ़ी औरतें ऐसी भी हैं मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो सैनिटरी नैपकिन्स नहीं यूज़ कर पा रहे या तो उन्हें महंगा पड़ा है या फिर उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि एजुकेशन भी बहुत चीज़ों से मैटर करती है तो यहाँ पर हम वही हमारी जो एजुकेशन और नॉलेज हम जो फीमेल्स को जो हमारी जो कंट्री की वुमेन है जो हम उन्हें देना चाहेंगे वो ये है कि सैनिटीज़ जो लॉन्च हुआ है एक तो बायोडिग्रेडेबल है तो हमें ये नहीं सोचना पड़ा वो वेस्ट हो रहा है दूसरी चीज़ जो कमर्शियल पैड्स उससे कहीं ज़्यादा सस्ता है तीसरी चीज़ बहुत आसानी से अब ये हर जगह अवेलेबल होगा तभी ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके अभियान के साथ जुड़ा हुआ है यूएन के अभियान के तहत क्योंकि ज़्यादातर जो दिक्कत होती है औरतों को वो उनकी हाइजीन की वजह से होती है नॉट जस्ट शौच नॉट जस्ट पानी नहीं है बट उनकी हाइजीन की वजह से तो इसीलिए सैनिटीज जो हमने सैनिटरी नैपकिन आज लॉन्च किया है वो ही मध्य तहत सोच के रखा है कि वो कैसे ग्रीन है और हेल्दियर है और नैपकिन से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है जी इसके साथ साथ काफ़ी और भी वो उसकी प्रॉब्लम्स जी इस पे नज़र डालनी चाहिए तो उसके बारे में क्या कुछ कहना है आजकल चल रहा है वुमेन इक्वालिटी का और अबाउट काफ़ी सारी चीज़ें कि जस्ट स्पीक अप ज़्यादा नहीं बोलूँगी उसके बारे में यही बोलूँगी 2018 में अभी भी 2019 में हम पहुँच ही गए अभी भी बहुत दुख होता है कि जब एक औरत अपने बारे में बात करती है कि मेरे साथ ये हुआ मुझे इसने छेड़ा उसने छेड़ा तब भी उसे दबाया जाता है पहले बोलते हैं हाँ चल पहले की बात क्या बोल रही है या फिर कोई इसे सपोर्ट नहीं कर पाता तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि सब मर्द एक साथ जुड़ें और उसी मुझे पता है आप वही टॉपिक में बोल रहे हैं तो मैं सबसे ज़्यादा खुश उस टॉपिक पर ये हूँ कि फरहान अख्तर ने बहुत स्ट्रांगली बोला है वुमेन हर कोई हम एक साथ जुड़े हुए हैं बट फरहान अख्तर ने एक बहुत स्ट्रांग अभी से नहीं फरहान अख्तर ने हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लड़कियों के लिए बहुत ही फोकस रखा है एंड उन्होंने इस बार भी बोला मैं चाहूँगी पूरी इंडस्ट्री क्या बल्कि पूरी दुनिया इस चीज़ के लिए जुड़े बिकॉज अब्रॉड भी अभी तक ये हो रहा है अगर आप देखें हॉलीवुड में भी यही चल रहा है कि कितनी औरतें पहले जिनके साथ हैरेसमेंट हुई वो बोल नहीं पाई क्योंकि काफ़ी लोगों ने उन्हें बोला दब जाओ काफ़ी लोगों ने बोला अरे आगे काम नहीं मिलेगा मत करो मगर अब ये बहुत अच्छा है कि अब ये इनिशिएटिव नहीं मैं बोलूँगी कि मतलब अब इतनी हिम्मत औरत में आ पा रही है और कम्युनिटी की वजह से कि अब वो आगे बढ़ के अपने बारे में बोल पा रही है शी नहीं आई थिंक एवरी वुमन शुड गेट जस्टिस या बिकॉज ऐसा नहीं है और मैं बस हमारी इंडस्ट्री की नहीं हर इंडस्ट्री में हर लेवल पे होता है कि यू नो आदमी लोग अपना मतलब अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं और मैं हर लेवल की बात करी ये हर लेवल पे होता है आपको एक मैनेजरियल लेवल पे भी कोई बोलेगा अरे मैं आपको काम दे सकता हूँ आपको पोजिशन दे दूंगा ये करो वो करो आई जस्ट थिंक पहले जैसे मैंने बोला पहले औरत डर जाती थी पहले क्योंकि उन्हें लगता था एक हिस्ट्री की बात होती थी बट अब हर स्टोरी लिखी जाएगी मैं ऑनेस्टली मैं मीडिया का थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं निर्भया कांड से लेके अब तक मैं बात करूँगी
निर्भया कांड भी इतना बड़ा, हम सब जुड़े, हम सब ने कैनल मार्च की, ये किया वो किया, मगर अगर मीडिया का सपोर्ट नहीं होता, आपको सच बताओ तो चीज़ें दब जाती हैं। मीडिया के सपोर्ट से ही नेशन वाइड वर्ल्ड वाइड स्टोरी जाती है, और वैसे ये स्टोरी भी है। स्टोरी क्या, ये हर जगह हो रहा है, मगर अब मैंने जैसे बोला, अब इतनी हिम्मत आ पा रही है कि बाहर आके लोग बोल पा रहे हैं, और मीडिया की वजह से ही हर घर घर में न्यूज़ पहुंची कि अच्छा ये भी हो रहा है। तो इंसान को, मेरे फादर इंडस्ट्री में, उन्हें खुद, मतलब कि उनकी बेटी इंडस्ट्री में, उन्हें खुद नहीं पता होगा कि ऐसा सब भी होता है इंडस्ट्री में, मगर जैसे मैंने बोला, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ताकि घर घर में लोगों को पता चल पाए ऐसा भी होता है, और हर औरत को और हर माँ बाप भी अपने बच्चों को हिम्मत दे पाए कि अगर ऐसा कुछ हो तुम हमसे बात कर सकते हो, पुलिस के पास जा सकते हो, यू नो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। कुछ नहीं एडवाइस देना चाहूँगी, बस ये बोलना चाहूँगी एक औरत को औरत के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि एक औरत ही है जो एक औरत को देख के बोलती है अरे ये स्लट है, ये होर है, एक मर्द नहीं बोलता कभी ये, मगर मर्दों को तो बोलता है हाँ 10 औरतों के साथ सोया ना, वेरी गुड। अगर औरत का डिवोर्स भी हो जाता है तो बोलते हैं डिवोर्स हो गया, कहाँ जाएगी, क्या करेगी। तो मैं बस ये बोलूँगी, एक औरत अगर औरत के साथ जुड़े ना, तो हम हिंदुस्तान का पूरा पूरी दुनिया बहुत आगे जा सकती है। आई थिंक इसीलिए वॉर्स जो आई थिंक अगर औरतें बन जाए ना हर कंट्री की प्राइम मिनिस्टर, तो झगड़े होंगे भी नहीं, क्योंकि हम लोग यू नो सब शांति से रखेंगे, क्योंकि औरत में जो ममता होती है वो आदमी में नहीं हो सकती, मगर आई थिंक औरत को औरत के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।